हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और वो ड्राइविंग पर्पस से रिलेटेड होने वाली है। तो जैसे कि आप रोड पर चलते हो, कई सारे रोड रेजेस वगैरह आपने देखे होंगे, जो कि कई बार क्या होता है कि जैसे जो कार चला रहा है उसकी गलती नहीं होगी, सामने वाले पार्टी की गलती होती है और उसके बाद उसको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व ज़बरदस्ती कर दिया जाएगा कि तुम्हारी ही गलती। चाहे आप कई सारे बाइक के केसेस में देख लो या कई सारे चीज़ वगैरह सीन्स होते हैं, इस टाइप के सीन्स होते हैं, तो उस सब केसेस के लिए जो है एक अच्छी डिवाइस, ये आप बोल सकते हैं जो कि बेस्ट चीज़ है इंडिया में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, वो है ये डैश कैम। कंपनी वगैरह तो देखो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहली बता रही है, मैंने खुद की सेफ्टी वगैरह के लिए जो मैंने इसको ऑर्डर किया था। मेरे को पर्सनली क्यूबो का ही क्यों समझा, क्योंकि ना अमेज़ॉन पर इसके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी बढ़िया थे, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। तो इसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे, प्रॉपर कार में फिटमेंट करेंगे कि कैसे ये लगता है प्रॉपर डिटेल में। मैंने यूट्यूब पे चेक किया, लोगों ने बताया कैसे फिट करते हैं, लेकिन ये क्रीम डिटेल में नहीं बताया, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मैंने फर्स्ट टाइम को डैश कैम ट्राई किया, तो इसलिए मैंने सोचा जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है वही मंगाया। आजकल सी बी प्लस वगैरह का काफ़ी सारा था, लेकिन हाँ इससे बढ़िया मुझे कोई ऑप्शन लगा नहीं, तो ये मतलब वर्थ इट है जिस प्राइस पॉइंट में आता है। प्राइस वगैरह की बात तो खैर लास्ट में करेंगे, पहले इसको फिट विट करके प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो पहले अनबॉक्सिंग डैश कैम आ गया है और इसकी जो पैकिंग है ये देखिए लो, आ गया एड्रेस वगैरह, तो इसलिए मैं छुपा दिया हूँ। तो कुछ इस टाइप से दे रहे कि पहले अच्छे से देते थे प्रॉपर कवर करके। मैं ऑनलाइन तो देख रहा था, काफ़ी लोग इस पर शिकायत कर रहे हैं इसकी पैकिंग से रिलेटेड, इस बार तो मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया, बहुत बेकार पैकिंग करी है अमेज़ॉन से। अब इस प्रोडक्ट को फटाफट जो है इंस्टॉल करते हो, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा। सो गाइस ये कुछ इस टाइप का बॉक्स है, इसमें आपको क्यूबो वगैरह दिख जाएगा, थोड़ा मैं जूम करा दे दूँ पास से, देखो क्यूबो वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो पहले मैं फीचर बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो हाई क्लैरिटी वीडियो कैप्चर है, 1080p 30fps पे करता है, 360° रोटेट है, सुपर नाइट विजन है, टाइम लैप्स वीडियो, वाइड एंगल वगैरह है, डिटैचेबल डिज़ाइन, सुपीरियर कैपेसिटर वगैरह, ये तो ये सब रिकॉर्डिंग ऑन डिमांड वगैरह है ही। कुछ इस टाइप का ओवरऑल यहाँ देख लो, इधर भी बॉक्स है, प्रॉपर सील्ड पैक करा था मैंने, बस इसका बॉक्स खोला था प्रॉपर से, मतलब पूरा प्रोडक्ट नहीं खोला, बस बॉक्स को ओपन करके चेक कर लिया था। तो ये जो है मैंने फटाक से बॉक्स खोला, यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है जिसका हमें कुछ काम है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह के आते हैं क्यूबो के, वो है। ये कुछ इस टाइप का आपको QR मिल जाएगा ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए, किस टाइप से इंस्टॉल करना है, थोड़ा क्विक गाइड है। मेन चीज़ क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको एक ये मिल जाता है, प्रॉपर से देख लो, कुछ इस टाइप का आपको कनेक्टर मिल जाएगा, ये मेन डैश कैम, इसको लास्ट में खोलेंगे। बॉक्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ, तो ये खोल दूँगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो है एक टूल मिल जाएगा आपको, ये देख लो कुछ इस टाइप का टूल है ओवरऑल। ये किसलिए, जैसे कि आप उधर देखें ना, उधर देखो वहाँ रूफ है ना, रूफ के आसपास के लिए, वो मैं अभी दिखाऊंगा चल के प्रॉपर से ना डिटेल में। ये टूल है लगाने के लिए बेसिकली, आप इतना भी समझो। ये आपको मिल जाता है कुछ यहाँ, जो आपको केबल मिल जाएगी इसमें USB की, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये देख रहे हो इन्होंने एक चीज़ बढ़ाई की, इसकी मेरे को यही कुछ कुछ चीज़ें बढ़िया लगी कि यहाँ पर आप देख रहे हो डैश कैम, मैं एक बार खोल ही देता हूँ। तो ये ओवरऑल डैश कैम है, यहाँ पे ये जो चीज़ है इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा दे दिया आपको, ठीक है। ये आप विंडशील्ड पे लगाओगे ये डायरेक्ट, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक इन्होंने दे दिए है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और ये दे रखा है किस लिए, कई बार क्या होता है जब आपका रेन वगैरह होगा, जो सामने विंडशील्ड दिखाना वहाँ पे जो है कई बार रेन वगैरह पड़ेगा, तो उसको आप विंडशील्ड के यहाँ बाहर की साइड लगा लो, लेकिन हाँ कुछ इस टाइप से लगना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये कैमरा पे आए। ये देखो मैं पास से दिखा रहा हूँ, तो इसके वजह से क्या है फॉग वगैरह इस सब चीज़ों में ये जो है ये प्रोटेक्टर है। तो देखते हैं, इसका मुझे ऐसा नीड लग नहीं रही, क्योंकि ना बाहर लगी रहेगी तो ये जो है मुझे लगता है वाइपर वगैरह चलेगा ना, तो उससे ये क्रिएट इशू करेगा ही करेगा। उधर फास्टैग भी कार में लगा है, एक बार वहाँ दिखाना वो फास्टैग लगा ना, मैं सोच रहा हूँ उसके बीच में जो जगह है कुछ वहाँ पर लगाने का, तो उधर तो ये मुझे लगता नहीं कामयाब है। हाँ पर इसको रख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब कैमरा की मेन बात करते हैं, तो ये देख लो कुछ इस टाइप का क्यूबो का ये डैश कैम है आपका, और इसमें जो है डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस टाइप से, ये देख लो यहाँ ग्लॉक सिस्टम है, फिर इसको डालूंगा यहाँ, इसको प्रेस करो और ये प्रॉपर क्लिक इन है, 360° रोटेटेबल है। इधर कैपेसिटर वगैरह, ये बोलती भी प्रॉपर ऑन करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ आपको कैमरा मिल जाएगा, इधर से पावर का बटन है, और यहाँ से आपको SD कार्ड, अभी फ़िलहाल यहाँ पे SD कार्ड गिर गया, फिलहाल मेरे पे भी 2GB का जो SD कार्ड था, तो इसको मैंने फिलहाल के लिए डाल दूँगा, मैं चेंज कर लूँगा, मैंने सोचा पहले शूट पे दिखा देंगे एक बार, वो भी मेरे को मैं लेके डाल दूँगा। यहाँ पे आपको वही USB का आपको सॉकेट मिल जाता है। चलते हैं अब हमारे किया सोनेट के अंदर, ये सारे तो खोल खाल के हमने कर दिया, अब अंदर जाकर इंस्टॉलेशन से पहले इसको डिवाइस को ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा कुछ इस टाइप से कनेक्टर है, और यहाँ मैं एक बार बोलूँ कैमरामैन को, यहाँ फोकस कर दे, यहाँ देखो ये हमारा सॉकेट दे रखा है कुछ यहाँ पे। तो अब जो है पहले सॉकेट में डाल देता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे लाइट जल गई होगी। अब मैं इतनी लंबी एक तो वायर है, तो ये तो यहाँ से मैंने बस यहाँ डालूंगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा एक बार यहाँ फोकस करवा दो,
यहाँ देखना आप, ये देखो जैसे ही मैं इसमें डालूँगा आवाज़ वगैरह, प्रॉपर लाइटिंग भी है ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेड जैसे ब्लू होगी, मतलब ये जो पेयरिंग मोड में आ गई। ऐप से कनेक्ट वगैरह है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी चलाऊंगा, वो आगे जाके कि ऐप से कैसे कनेक्ट करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा। देखो अभी ऑन हो रहा है, देखो यहाँ की ना ब्लू लाइट प्रॉपर है, बोलती है, ऐसी बात नहीं है ठीक है। इसमें यही साउंड आता है और एक दो चीज़ और बोलती है कि प्लीज पेयर, जब आप स्टार्टिंग में खोलोगे प्लीज पेयर का भी ऑप्शन आएगा, तो वो सब मैंने कर दिया है। अब वो आप आगे देखोगे कि कैसे कैसे इसको ऐप से पेयर करना है। सो गाइस ये आपका कुछ क्यूबो का ऐप है डैश कैम का, जिसको आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये लोकेशन वगैरह के परमिशन मांगता है, उसके बाद जो है आपको अपने गूगल से आईडी बनानी है और उसके बाद आपका पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस उसका उसके बाद आपको अपने डिवाइस देखना है, जो भी आपका डिवाइस है। जैसे मेरा यहाँ पे जो है क्यूबो डैश कैम प्रो एक्स है, तो मैं उस पर जो है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ठीक है। यहाँ पे उसके बाद बोलता है एक्सेस वगैरह लोकेशन और उसका ये मांगता है, तो उसको मैंने यस कर दिया है। सब कुछ आपको यस करते जाना है, रेड लाइट ब्लिंक करेगा तो उसके बाद ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है ठीक है। देख लो यहाँ पे मेरा डैश कैम आ चुका है, डिफॉल्ट पासवर्ड 12348 तक है। उसके बाद आपको जो एक नया पासवर्ड और नेम अपने कार में कार के हिसाब से जो भी आप अपना डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया अपना किया का डैश कैम, किया डैश कैम बेसिकली। उसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह जो है जो भी आपको अपना डालना है आप एक तरह से अपने जो है कार का डाल के। और सो गाइस पासवर्ड वगैरह डालने के बाद एक कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप इस पर कनेक्ट दबाओगे तो उसके बाद कनेक्टिंग टू अ डिवाइस और कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ जाएगा आपके डिवाइस पे। और उसके बाद जो है ये जो डिवाइस कॉन्फिग्रेशन वगैरह करता था उसमें आपको थोड़ा सा टाइम जो है लग सकता है, क्योंकि पहली बार हो रहा है, उसके बाद तो तुरंत हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा ठीक है। जैसे फटाफट जो है यहाँ पे डिवाइस जो मेरी कॉन्फ़िगर हो रही है और ऊपर डिवाइसेस रेडी का आप ऑप्शन देख ही पा रहे हो ठीक है गाइस। ये हो गई यहाँ पे कॉन्फ़िगर, और वाईफाई में आपका डैश कैम जो भी आपने नेम रखा है वो आएगा, पासवर्ड डालो और उसके बाद जो है आपका कनेक्ट कर देना है। बाद देखना है यहाँ पे कैमरा जो है ऑन हो चुका है, इवेंट्स वगैरह डे ट्रिप्स वगैरह सब कुछ ये दिखाने लगता है ऑन। सो गाइस आपने देख लिया होगा कि कैसे आपको ऐप से इसको पेयर करना है। अब बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की, जो कि सबसे हेक्टिक पार्ट होगा। तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेरा जो आइडिया है वो कुछ ये है कि हम डैश कैम को कुछ यहाँ लगा दें यहाँ पे और कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड करें। तो इसके लिए हमें जो ऐप से ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। सो गाइस देख लो कुछ इस टाइप से फाइनली बिना वायरिंग के, और ये वायरिंग करेंगे तो और बढ़िया से सेट हो जाएगा। मगर क्लियर व्यू आ रहा है, लेकिन मुझे तो बढ़िया लग रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वाइज मेरे साथ टेस्टिंग भी हो जाएगी। अब यहाँ पे बस 2 मिनट के साइड में जाना, तो इसलिए मैंने अभी बैटरी नहीं लगाया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट देख लो। अब मेन वायरिंग की तरफ चलते हैं, ये तो चलो ये सारी चीज़ें हो गई। तो गाइस अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि डैश कैम का ओवरऑल एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है। और एक्सपीरियंस से पहले मैं आपको एक बार इसके वायरिंग दिखा दूं। देखो मैंने देखो वायरिंग इसके हाइड कराई, और मैंने ये करवाया है किया शोरूम में, जैसा कि आपने क्लिप्स वगैरह में देख ही लिया होगा कैसे मैंने इसमें जो है किया शोरूम में करवाया। मतलब कैसे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ना वो लोग काफ़ी ज़्यादा वो थे, मतलब कि सर आप वीडियो वगैरह मत बनाओ, हम लोग ऐसे ही कर देंगे। जब मैं इसको सर्विस पर रिसेंटली लेके गया था, जो उसकी वीडियो आपने शायद देख ली होगी, आगे देखोगे आप, तो उसमें जो है इन्होंने क्या किया ना, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। एक तो ये सबसे पहले यहाँ पे ना काफ़ी स्पेस है, मतलब एक उंगली का ना अच्छा खासा स्पेस है ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तो कोई भी कर लेगा आराम से, मतलब मैंने भी यहाँ तक तो कर ही दिया था। उसके बाद यहाँ इशू आया था मेन इस पिलर को खोलने का। तो इस पिलर को उन्होंने कैसे खोला, ये जो रबर है इसको खींचेंगे ना, जैसे आप लोग खींच दोगे तो उसके बाद जो ये आसानी से जो ये पिलर है ये आ जाता है बाहर, मतलब ये लॉक सिस्टम पे बैठा होता है। मैंने ये इसलिए उनसे करवाया क्योंकि ना देखो मुझे भी एक्सपीरियंस था नहीं, बाय चांस से अगर ब्रेक वगैरह हो जाता तो काफ़ी इशू आ सकता था मेरे को भी। तो मैंने इसलिए इसमें जो है उनको बोला कि आप प्लीज़ इसमें इसको कर दो, और उन्होंने कर भी दिया। और इतना लेबर चार्ज देते हैं तो ये तो हमारा काम बनता है, ये करवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक वायर ही डालना था। उसके बाद उसने जो है क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट ना यहाँ यहाँ तक का एरिया होता है ठीक है, यहाँ से एकदम सीधा यहाँ तक। तो ये अगर डैशबोर्ड अभी खुल नहीं पाएगा, नहीं तो मैं दिखाता हूँ, उसने डैशबोर्ड भी खोला और ये सीधी तार ना यहाँ पे आके उसने लगा दिया। यहाँ पे क्या है, ये तार इतनी बड़ी देता है ना ये, कि उसने 3-4 फोल्ड मार के यहीं पे उसने परमानेंट ही डाल दिया। तो 3-4 फोल्ड मार ताकि ना एग्जैक्ट फिटिंग पे बैठे, वो बंदे ने बड़े बढ़िया तरीके से किया। उसके बाद क्या कि इसके अंदर भी काफ़ी सारे तार बच गए थे, तो उसको भी फोल्ड करके एक साइड में जो एसी फिल्टर होता है उसके पास ही लगाया। कि मैंने उसे बोला इस तरीके से लगाना है कल को मेरी कार सर्विस होगी, एसी फिल्टर चेंज हो तो तार फिर से ना हिल जाए। तो वो उसका उसने ध्यान रखा, और उसने फिर यहाँ से
ये देख रहे हो नीचे से तार निकाल के यहाँ लगाया है। अब यहाँ पे देखो स्पेस है लेकिन उतना नहीं है डालने का। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरीके से और हाइड कर सकता हूँ बढ़िया तरीके से। उसने दो ऑप्शन दिए थे, या तो आप यहाँ से ला के फिर ऐसे डालो, और या तो ये सबसे शॉर्टेस्ट था क्योंकि इसमें तार फिर ऑलरेडी पीछे जो इसने बांध दिया था, फिर उसको वापस से खोलो या मतलब वापस सेट करना पड़ता। उसने इस हिसाब से बांधा था कि इस तरीके से वायर ही डल जाए। तो आप मुझे कमेंट करो कि इसका क्या एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से ये अच्छे से और हाइड हो जाए। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें प्लास्टिक टूल जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो को स्टार्टिंग में, उसी को मैं अगर डाल के ट्राई करूँ तो कुछ हो सकता है। मैंने ट्राई वैसे इससे किया नहीं, मैंने हाथ से करके देखा तो इसमें ना थोड़ा गैप वगैरह सब बन रहा है, तो इसलिए बाकी आप मुझे बताना कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो ये तो ओवरऑल ये था। और इस साइड उसने बोला है मेरे को यहाँ पे अगर आप एक टाई बेल्ट डाल दोगे कुछ इधर यहाँ ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे आपका जो है ये हाइड हो जाएगा, लेकिन इतना तो हाइड नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका दिक्कत पता क्या है यार, ये ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। ड्राइविंग में तो कोई इशू देता नहीं है पर वैसे ही, और किया कि जो ग्लास है ना मुझे लगता नहीं डैश कैम को सोच के बना। देख लो कितना एकदम सेंटर में यहाँ पे जाकर डैश कैम जो इसका फिट हो रखा है। तो ये है, जैसे कई सारे कार्स में ना ऊपर लग जाता है, मैंने भी इस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था कि मैं चाहता ना तो इसको इस साइड लगा के कहीं पे वायर और अच्छे हाइड होता, बट फिर वही बात थी ना कि क्या इसका जो है व्यू अच्छा सा नहीं आता। सेंटर में मुझे व्यू जैसा चाहिए था, अभी जैसा व्यू इतना बढ़िया व्यू है जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, इतना अच्छा आउटपुट दे रहा है, व्यू वगैरह काफ़ी बढ़िया है। अब मुझे इसमें एक जो चीज़ और मेरे को थोड़ी सी समझ आई कि जैसे मैंने क्यूबो का मंगाया था क्योंकि हीरो के साथ इनका टाई अप वगैरह है, तो मैंने सोचा कि बढ़िया होगी, ऐसे कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं ये, तो मैंने तो देखो अपने उससे बियर करके मंगाया। तो उसमें इसमें मैंने क्या, मुझे जो मुझे लगा था कि इसमें आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी, जो कि होती है, आप कार चलाओगे तो इसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। लेकिन अगर आपको जैसे देखना है ना ऐप वगैरह पे, जैसा मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे करेक्ट करना अगर ये सही है कि नहीं या गलत है तो मुझे आप बताना प्लीज़, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा है सेटिंग्स वगैरह में कैसे करना होगा। तो इसमें जैसे ही मैं ऐप खोलता हूँ तो इसमें सिर्फ आपकी वही वीडियोज आएंगी जैसे जिसमें गाड़ी को गार जिसमें जर्क वगैरह है, मतलब कि इमरजेंसी वीडियो करके एक सेटिंग है इनका। उसमें क्या होता है ना, जैसे कार मान लो इमरजेंसी ब्रेक लगाती है, कोई भी जर्क ये फील करता है अगर डैश कैम, तो ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, और वही रिकॉर्डिंग्स आपको जो है आपके ऐप्स पे मिलती है। लेकिन मेरे को ये मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मेरे को पूरे एकदम वीडियोस चाहिए, यानी कि जैसे अभी मैं कार को लेके आई है, मैं कहीं पे भी एक्सपोजर जा रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियोस मुझे कहाँ से मिलेंगी, वही मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है इसके SD कार्ड में डेफिनेटली स्टोर हो रहा हो, फिर पीछे डिलीट कर, लेकिन इतना टाइम थोड़ी होगा कोई भी रोड सिचुएशन में कि मैं एकदम आराम से मतलब पहले इसको डेटा निकालूँ ये। तो मुझे ये बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत सारे और डैश कैम भी जो कंपनीज है उनमें क्या होता है, तुरंत आप फ़ोन में एकदम चेक कर सकते हो। और इसमें कनेक्टिविटी का भी है यार, बड़ा थोड़ा सा मुझे लफड़ा सा लगा कि बार बार ना आपको वाईफाई से इसे पेयर करना पड़ेगा, और ये मतलब हमेशा आप कहीं से भी वॉच थ्रू नहीं कर सकते जब आप कार में रहोगे, डैश कैम के आसपास रहोगे और डैश कैम ऑन रहेगा तभी आप इस पर एज अ वॉच ले सकते हो। कार ऑफ रहेगी तब तो डेफिनेटली नहीं ले सकते, लेकिन वो है ना कि जैसे मान लो मैं कार अपना चला रहा हूँ नॉर्मल, और लेकिन उसके लिए मुझे स्पेशली और फिर मैं चेक करना है डैश कैम को, तो मुझे स्पेशली जो है अपना ऐप खोल के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट में भी कुछ टाइम लेता है, उसके बाद ही मैं अपने वीडियोस को देख सकता हूँ। जो भी मैंने बताया ना इमरजेंसी वीडियोस, वो तभी दिखती हैं जब मेरे को जब ये कनेक्टेड रहेगा, जैसे जो पिछले की वीडियो जैसे जिसमें इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगा हो या कुछ भी हो XYZ, तो वो तभी दिखेंगी जब मेरा ऐप से कनेक्टेड रहेगा। अगर मेरा ऐप से कनेक्टेड ही नहीं है ना डैश कैम, तो वो शो ही नहीं करता है। तो ये सारे मुझे कुछ नेगेटिव से लगी इस डैश कैम की, जो कि मुझे लगता है या तो पता नहीं मेरे से कोई सेटिंग वगैरह है उन्हें सेटिंग्स में, जबकि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है सेटिंग से लेके सब कुछ, उसके बाद ही मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा। तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि क्या इसका सीन है और क्या है। अगर आप पे क्यूबो है तो डेफिनेटली आप मुझे इस चीज़ में हेल्प कर ही सकते हो, अगर मैं मतलब जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप अगर समझ पा रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर देना। तो यही थी मेरी ओवरऑल डैश कैम का जो एक्सपीरियंस है, कैसा मैंने इंस्टॉल किया सब कुछ, और ये मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेसेसिटी लगा तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और आप भी जो है ये वाला डैश कैम खरीदोगे कि नहीं वो भी मुझे कमेंट करना। मिलते किसी और दिन किसी बड़े टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।